तो गाइज एक बार फिर स्वागत है आपका दीवान ट्यूटर यूट्यूब चैनल के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4, एक्सरसाइज आपकी चल रही है 7.2। ठीक है, तो बिना कोई देरी करते हुए आज वाले क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो तीसरा और चौथा है ना, उसके अंदर क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल आ जाता है। ठीक है, और लेवल भी नहीं कह सकते, थोड़ा सा ऐसे कह सकते हैं, जैसे आप देख लोगे अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है जिसमें 2 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें भी 2 क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं। अब इस पहले वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना क्या है, करना ही है हमें तो। साइन 70 डिग्री इंटू से एक 20 डिग्री माइनस, और ये कॉस 20 डिग्री मल्टीप्लाई बाई कॉस से एक 70 डिग्री। देखिए अब इसमें करना क्या है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसको तो एज इट इज रख लीजिए। साइन 70 डिग्री इसको चेंज करिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक 90 माइनस कितने डिग्री लिख सकता हूँ, 70 डिग्री लिखूँ तभी ये आएगा 20 डिग्री, और माइनस ये कोस मेरा रह जाएगा एज इट इज, और इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे कॉस एक 90 माइनस 20 डिग्री। ठीक है, साइन आपका कितना है ये 70 डिग्री, और ये गुणा सेक 90 माइनस थीटा, ये चेंज हो जाता है कोसेक में, कोसेक 70 डिग्री, और माइनस यहां से ये आपका एजिटी चल रहा है कोस 20 डिग्री, और ये गुणा, और कोसेक आपका चेंज हो जाएगा सेक में, और सेक कितना जाएगा 20 डिग्री। यहां पे चूंकि लगा के लिख देना, क्या लिखोगे, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और यहां से लिख देना कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। ये वैल्यू आप लिख दोगे ना, इससे पता चल जाएगा अगले को इससे लिखा है। अब देखिए यहां से साइन 70 डिग्री तो आपका चल रहा है, और कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन 70 डिग्री, 1/sin 70 डिग्री, और माइनस यहां से देखिए आपका कोस 20 डिग्री तो चल रहा है, और गुणा सेक को भी उल्टा कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कोस 20 डिग्री। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, इधर बच गया 1, और 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो जो आपका तीसरा क्वेश्चन है उसका पहला तो ये से होगा। ठीक है, लिख लिया तो मिटा दूं भाई। अब दूसरा वाला में आ जाओ, आप दूसरे वाले में देखिए, पढ़िए साथ साथ क्वेश्चन को। 2 cos 67 degree upon sin 23 degree माइनस 10 sin 40 degree अपॉन cot 50 degree माइनस cos 60 degree। ठीक है, अब देखिए आप यहां से इसको उतारने की जरूरत नहीं है, ये 2 आपका चल रहा है, ऐसे नहीं हो सकता इस कोस को साइन में चेंज कर लूं, और इधर 10 कोट का उल्टा हो जाएगा, और इसकी वैल्यू मैं रख दूंगा, क्योंकि आपको पता है कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, यहां से देखिए 67 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 23 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री अपॉन में कितना है आपका साइन 23 डिग्री, माइनस ये 10 आपका 40 डिग्री है, इसको मैं लिख सकता हूं 10 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, और अपोन में आपका कितना है कोट 50 डिग्री, माइनस और आपका कितना चल रहा है कॉस 60 डिग्री। अब देखो हो चुका है आधा क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं इसको कैसे हुआ है। आपको पता है ये 2 तो एज इट इज रह जाएगा, और कॉस 90 माइनस थीटा आपका किसमें चेंज हो जाएगा, साइन 23 डिग्री अपोन आपका है साइन 23 डिग्री, माइनस 10 आपका कोट में चेंज हो जाएगा, कोट 90 माइनस थीटा यानी 50 डिग्री आ जाएगा, और बट्टे में कितना है कोट 50 डिग्री। आपको पता हो तो कोस 60 की वैल्यू है वो बच्चा कितनी होती है, 1/2 होती है। यहां से ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, यहां से ये है 2 माइनस ये कितना हो गया 1, और माइनस कितना है 1/2। इसका सॉल्यूशन कर लो, 2 में से 1 घटाया कितना बच गया 1, और उसमें से भी 1/2 घट रहा है, यानी 1 में से आधा जाएगा तो कितना जाएगा, प्लस का आधा बच जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए। इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन, और वैसे क्वेश्चन नंबर 4 7.2 एक्सरसाइज का सेम टू सेम है, और यहाँ पे आपकी बार स्क्वायर दे दिया,
और करना कैसे है देखना, ये तो आपका फोर्थ में फर्स्ट है और ये सेकंड है। साइन 35 डिग्री बटे कोस 55 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कोस 55 डिग्री बटे साइन 35 डिग्री का होल स्क्वायर, उसमें से 2 कोस 60 डिग्री आपका घट रहा है। देखिए सबसे पहले इसको चेंज करिए इसमें, इसको चेंज करिए इसमें और इसकी वैल्यू रख दीजिए। देखिए यहाँ से साइन को मैं चेंज करूँगा, साइन 90 माइनस 55 डिग्री बट्टे में आपका कितना है कॉस 55 डिग्री और उस पूरे का स्क्वायर, प्लस इसको भी चेंज कर दीजिए, ये 90 माइनस 35 डिग्री हो जाएगा और बट्टे में कितना आ जाएगा साइन 35 डिग्री और उसका भी स्क्वायर कर दीजिए। और ये वाला पार्ट यहाँ पे नहीं आ रहा तो मैं लिख रहा हूँ 2 कॉस 60 की, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ से इसको आप चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन चेंज हो जाएगा कोस में और कोस कितना आ जाएगा 55 डिग्री और बट्टे नीचे में भी कितना है कोस 55 डिग्री पूरे का स्क्वायर, प्लस यहाँ से ये चेंज हो जाएगा कोस चेंज हो जाएगा साइन में और साइन यहाँ से थीटा की वैल्यू है फिर 35 डिग्री और बट्टे में कितना है साइन 35 डिग्री उस पूरे का स्क्वायर, माइनस ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 × 1/2 है तो इससे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बच गया 1, ये कितना हो गया 1 और 1 का स्क्वायर, प्लस ये भी हो गया 1 और उसका भी स्क्वायर और माइनस का 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या आपका 1। ठीक है, इसका दूसरा नंबर का क्वेश्चन है साइन 27 डिग्री बटे कोस 63 डिग्री का स्क्वायर प्लस में आपका कितना है कोस 63 डिग्री बटे साइन 27 डिग्री और उसका स्क्वायर करना है और मान निकालना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको चेंज कर रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 63 डिग्री बट्टे में आपका कितना है कोस 63 डिग्री और उस पूरे का स्क्वायर, प्लस ये आपका आ जाएगा कोस 90 माइनस 27 डिग्री और बट्टे में आपका कितना है साइन है 27 डिग्री और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये क्या है आपका, इसमें भी स्क्वायर था क्या, मैं देख लेता हूँ एक बार क्वेश्चन में वेरीफाई कर लूँ क्या आपका हो तो, इसमें भी स्क्वायर था कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये चेंज हो जाएगा आपका, किसमें चेंज हो जाएगा कोस 63 डिग्री और बट्टे में भी कितना है कोस 63 डिग्री और उस पूरे का स्क्वायर, प्लस ये कोस आपका साइन में चेंज हो गया और साइन 27 डिग्री और बट्टे में कितना है आपका साइन 27 डिग्री। ठीक है, और उस पूरे का स्क्वायर, ये आपका एक हो गई पूरी टर्म और उसका स्क्वायर कर दो और प्लस ये भी एक हो गई और उसका स्क्वायर कर दो, एक का स्क्वायर एक प्लस एक का स्क्वायर एक और एक और एक का आपका कितना हो गया 2 हो गए, तो इसका आंसर आ गया 2। तो इस वीडियो में हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर हमने तीसरा और चौथा देखा है एक्सरसाइज 7.2 का, तो छोटा सा कमेंट करके आप अपनी छोटी सी राय दें कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, कोई देखने में दिक्कत, सुनने में दिक्कत या समझने में दिक्कत आपको कोई आ रही है तो छोटा सा कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई उमंग और नई जोश के साथ, तब तक के लिए राम।